क्या शरीर का कुछ लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज या फिर शारीरिक भाषा? हाँ है, और वो है ऐसा कि आप बहुत सारे बातें ना बोल के भी किसी को बता सकते हैं। अच्छा, कौन चाहते हैं कि वो दूसरे के सामने उसको इंपॉर्टेंस ना मिले? सब लोग चाहते हैं कि दूसरे के सामने उसका इंपॉर्टेंस मिले, दूसरों को आकर्षित करने के लिए सब उत्सुक हैं। लेकिन हम लोग दूसरों को आकर्षित करेंगे तो कैसे? वो है बॉडी लैंग्वेज से, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। उसको जितना अच्छा आप जितना अच्छा तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं तो लोग उतना जल्दी आपके ऊपर आकर्षित हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का सबसे पहला स्टेप जो है वो है मुस्कुरा के बात करना। अब बताइए कौन से लोगों को आपको अच्छा लगता है, जो मुस्कुराता है और जो रूठ कर जाते हैं, या फिर थोड़ा जिसको कहते हैं जो खड़ूस टाइप का है, एकदम गुमसुम रहते हैं, मुंह फुला फुला, हाँ ऐसा लोगों को आप पसंद करते हैं। किसको पसंद करते हैं? जो हंसते हैं, क्योंकि स्माइल करके बात करना ये बहुत ही इफेक्टिव है, महत्वपूर्ण है। आप खुद को सवाल कीजिए कि जब आप सेल्फी उठाते हो तो आपका ये चेहरा कैसा रहता है, रूठे रूठे या फिर हंसी के साथ? क्या कैसा रहता है? हंसी के साथ रहते हैं, क्योंकि आपको पता है, और जिसको पता नहीं है वो भी जान ले कि जो व्यक्ति या जो इंसान हंसते हैं उसी समय वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो हम लोग जब सेल्फी उठाते हैं क्या करते हैं? हंस के उठाते हैं। तो इसी तरह आप किसी के साथ अगर कम्युनिकेट करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो आप थोड़ा हंस के बोलिए। जब भी आप बात करें तो कोशिश करें कि पूरा शरीर को यूज करके बात करना, सिर्फ बोलना नहीं है, शरीर को भी यूज करना है उसके साथ साथ, तब आपका बात बहुत इफेक्टिव होगा। क्योंकि जब हम शरीर को यूज करके बोलते हैं तो दूसरे के सामने एक पिक्चर होता है, पिक्चर बनते हैं, और उसी पिक्चर के साथ अगर हम लोगों का वॉइस भी ऐड हो जो हम लोग कहने जा रहे हैं तो और ज्यादा इफेक्टिव होगा। कम्युनिकेशन में लिसनिंग स्किल सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छी तरीके से सुनता नहीं है वो अच्छी तरीके से बोल नहीं सकते। अगर किसी का बात सुन रहे हैं तो पूरा मन लगा के सुनिए, उसके आंखों में आंखें डाल के आई टू आई कॉन्टेक्ट जिसको कहते हैं वो करके आप पूरा मन लगा के सुनिए, ताकि उनको लगे, जो बात कर रहे हैं उनको लगे कि आप पूरा ध्यान पूर्वक उनकी बात सुन रहे हैं, उनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, और आप अच्छी तरह से सुन रहे हैं। इसका मतलब है आप वो कंटेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उसके ऊपर आपका विचार काम कर रहे हैं, और आप विचार के साथ आप जब अभिमत देने जा रहे हो तो पूरा क्लियर आप अभिमत दे सकते हैं। तो हम लोग इस सेशन में क्या क्या जाने? पहला कि जब भी आप बात करो तो थोड़ा स्माइल रखकर करो, चेहरे पे थोड़ा स्माइल रख के करो। दूसरा, जब भी बात करो आई टू आई कंटेक्ट करके बात करो। तीसरा, जब भी आप कुछ बोलने जा रहे हो, बात करने जा रहे हो, तो अपना शरीर को ज्यादा से ज्यादा यूज कर दो। जो भी आप बोल रहे हो अगर उसके साथ साथ आपका शरीर भी यूज हो तो वो बहुत इफेक्टिव होगा। और टेंशन में क्या बोलते हैं, टेंशन में एकदम चुपचाप ना होके कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, उसके बाद अच्छी तरह से
सुनना है, पहले सुनो फिर बोलो।